देपालपुर इंदौर के बीच में हतोत क्षेत्र में एक साथ 27 कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। हतोत नगर परिषद ने इसकी पहले भी कार्रवाई की थी तो लोगों ने विरोध किया था। हतोत में सब्जी बेचने वाले भोई समाज के लोगों ने, जो कि रोड पर सब्जी बेचकर अपना परिवार गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन ने इन लोगों की जांच की तो 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से हतोत को पूरी तरह बंद कर दिया है। हतोत के भोई मोहल्ले क्षेत्र को कंटेनर जोन घोषित किया गया। प्रशासन ने आसपास की गली के लोगों का भी सैंपलिंग ली ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल सके। एनटीवी टाइम के लिए संवाददाता राहुल देवड़ा की रिपोर्ट। इस वक्त हम हतोत के भोई मोहल्ले में खड़े हैं, जहाँ पे आज 27 कोरोना पेशेंट एक धमाकेदार, मतलब कि वो बॉम्ब विस्फोट हुआ है यहाँ पे, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसको किस प्रकार से क्वारंटाइन किया गया है और कितने एरिया को सील किया गया है, हमारे साथ सर जुड़े हैं, इन सब जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका नाम बताइए। अजय रघुवंशी। सर, किस प्रकार से पूरे एरिया को सील किया गया है? ये है हमारा हतोत का भोई मोहल्ला जी, इसको आप देख रहे हैं सामने, पूरा यहाँ का मतलब पूरा मोहल्ला सील किया गया है। तो सर, किस प्रकार से शुरुआत हुई, मतलब कि कोई पेशेंट आया था यहाँ पे कोरोना या पेशेंट ने आए इनकी पहले जांच हुई, तीन दिन पहले सर उसकी रिपोर्ट आने पर यहाँ पर। तो सर, अभी तक पता चला कि किस प्रकार से इनको, मतलब कि कोई बाहर से यहाँ पे आया था या फिर इनको खुद में किसी को था? बाहर तो नहीं है सर, ये लोग ज़्यादा कंजेस्टेड रहते हैं, इस कारण होता है सब्जी उनका धंधा नहीं करते नहीं कर, मतलब इनका घूमने फिरने का काम था। हाँ, घूमने इस कारण। तो सर, आगे की प्रक्रिया इसमें और क्या रहेगी? आगे की प्रक्रिया ये सील रहेगा, पूरा सील रहेगा कि पूरा और आगे और सैंपलिंग किया जाएगा यहाँ पे के अंदर? सैंपलिंग होगा कल, फिर सैंपलिंग होगा, मतलब एक दो दिन रूटीन में सैंपलिंग चलेगा। उसके पास वाली जो कॉलोनी है उसके हमने सैंपलिंग करवाया स्वास्थ्य विभाग में। कुल 27 पेशेंट यहाँ कोरोना के मिले हैं और पूरा हतोत एकदम सुन्न हो चुका है, जिससे सनसनी फैली हुई है। और आगे ये देखना है कि ये जो गरीब स्तर के लोग थे, जो सब्जी का व्यापार करते थे, जिससे आना जाना इनका इधर उधर क्षेत्र में सब दूर लगा रहता था, जिसके कारण अब आगे ये देखना है कि जो और सैंपलिंग की जा रही है इसमें कौन कौन सामने और पॉजिटिव आते हैं।